पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। चाइना की हमेशा से ही आदत रही है इंडिया के बॉर्डर में घुसने की और इंडिया के स्टेट्स को अपने कब्जे में करने की। लेकिन अब इंडियंस कहां रुकने वाले थे, उन्होंने तो अपना माइंड बना लिया था और उन्होंने डट कर चाइनीज आर्मी के कमिश्नर को जवाब दिया और कहा कि अब ऐसा करना असंभव है। चाइनीज आर्मी के कमिश्नर ने तब तो बड़े ही आराम से इंडिया वालों की बात सुनी और वो वापस चाइना चले गए। लेकिन इस इंसिडेंट के करीब आधे घंटे बाद ही चाइनीज आर्मी की तरफ से इंडिया पर भारी फायरिंग शुरू हो गई। भारत इसके लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था और किसी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, और इसीलिए हेडक्वार्टर से ये आदेश आया कि फिलहाल के लिए फेंसिंग का काम रोक दिया जाना चाहिए और इंडियन आर्मी के सभी सोल्जर्स अपनी बटालियन में वापस छुप जाएं। लेकिन ब्रिगेडियर अनमोल कपूर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डाउटफुल थे और उन्होंने कहा कि वो अकेले ही चाइनीज आर्मी का सामना करेंगे। उन्होंने इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से सिर्फ दो मिसाइलों की परमिशन मांगी और उन्हें वो परमिशन ग्रांट हो गई। दो मिसाइलों के साथ उन्होंने चाइनीज आर्मी पर भारी फायरिंग शुरू की। उनका निशाना और फायरिंग टेक्निक इतनी ऑन पॉइंट थी कि चाइना के सभी बंकर्स डिस्ट्रॉय हो गए और साथ ही 400 चाइनीज सोल्जर्स की भी मौत हुई। इसके बाद चाइनीज आर्मी खुद डर कर वहां से भाग गई और इंडिया और चाइना के बीच में फेंस क्रिएट हुई। बता दें कि ब्रिगेडियर अनमोल कपूर को आज परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया है और उनके नाम पर कई सारे अवार्ड भी एस्टैब्लिश्ड हैं। इंडियन आर्मी में उन्हें सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड करेज की तरह देखा जाता है। इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जल्द ही रिलीज होने वाली मूवी सोल्जर पार्ट 2 में इसी कहानी को दर्शकों के सामने प्रेजेंट किया जाए। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़।